राजधानी भोपाल के ईंट घेड़ी में 18 नवंबर से शुरू हुआ 73वां इज्तिमा आज दुआए खास के साथ में समापन हो चुका है। सुबह मौलाना साद ने दुआ की तो लाखों हाथ एक साथ उठ पड़े। 29 मिनट की दुआ हुई है और इस दौरान बड़े मजबे में सिर्फ मौलाना साद और उनके पीछे अमीन कहने वालों की आवाजें आ रही थी। दुआ से पहले सुबह 9:21 पर मौलाना साद ने तकरीर की। बता दें कि राजधानी भोपाल की ईंट घेड़ी में चल रहे इज्तिमा 5,000 जमातों ने शिरकत की थी और इस दौरान लोगों ने देश दुनिया के अमन चैन के लिए दुआ भी मांगी है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल के ईटखेड़ी में 18 नवंबर से शुरू हुआ 73वां इज्तिमा आज दुआ खास के साथ समापन हुआ। सुबह 9:28 पर मौलाना साद ने दुआ की और लाखों हाथ एक साथ उठे। 29 मिनट तक दुआ हुई। इस दौरान इतने बड़े मजमे में सिर्फ मौलाना साद और उनके पीछे आमीन कहने वालों की आवाजें आ रही थी। दुआ से पहले 9:21 तक मौलाना साद ने तकरीर की। बता दें कि राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी में चल रहे इज्तिमा में 5,000 जमातों ने शिरकत की। यहां 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। इज्तिमा खत्म होने के बाद लाखों की भीड़ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर रवाना हुई। इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई, खासकर पुराने शहर के इलाकों में भारी वाहनों की एंट्री नहीं की गई थी, जिसे लेकर तैयारी भी इसी के हिसाब से की गई थी। इन सभी के लिए इज्तिमा में 300 एकड़ में पंडाल बनाए गए थे, या यूं कहें कि एक मिनी शहर बसाया गया था। 17 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, 4,500 टॉयलेट और 17,000 लोगों के एक साथ वजू करने की व्यवस्था की गई थी। कोरोना के चलते 2 साल तक इज्तिमा का आयोजन नहीं हुआ था। इज्तिमा में सुबह से लेकर रात तक उलेमा जमातों को संदेश देते हैं। वहीं इज्तिमा के समापन होने के बाद जमातें देश भर के हिस्सों में रवाना हुई, जहाँ उनका हजूम देखते ही बना। ये जमातें उलेमा से मिले संदेशों को लोगों तक पहुँचाएंगी, जिसमें हिदायत दी गई कि इंसानियत से नाता जोड़े, गरीब कमजोर दिव्यांगों की सेवा करें, बुजुर्ग और महिलाओं का सम्मान करें, मन में करुणा रखें। 73वें आलमी तबलीगी इज्तिमा के आखिरी दिन होने वाली दुआ खास में शामिल होने के लिए शहर की दौड़ ईटखेड़ी स्थित इज्तिमा गाह की तरफ लगी। बड़ी तादाद में लोग रविवार रात से ही पहुंच गए थे, जबकि बाकी सुबह फजर की नमाज के बाद पहुंचे। दुआ के बाद घरों के लिए रवाना हुए लोगों को रास्ते की परेशानियों से बचाने के लिए इस्लामनगर, सैमरा सैयद, बोलखेड़ी, लापाखेड़ा आदि ग्रामों के लोगों ने व्यवस्था की थी। इसके साथ ही सभी सरकारी महकमों के साथ शहर के लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया। MK News की खास प्रस्तुति।